faces and soul. आखिर क्या होते हैं तीनों और क्या फर्क है इन तीनों चीजों में? Plus भाई किस किस चीज के अंदर जो हम बोल सकते हैं इस यूनिवर्स के अंदर जो प्रेजेंट है कि हाँ भाई वो कैसी होती है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है या सोल्ट है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, वो भी जैसे वन शो। तो चलिए हम स्वागत करते हैं आपका एकेडमी में। मैं हूँ सोनिया, आपकी साइंस ट्यूटर, और आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सोल्ट के बारे में पूरा चैप्टर जस्ट इन वन शो। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आपका आज का चैप्टर। हाँ जी, सो व्हाट इज एन एसिड्स? पहले हम एसिड से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बारे में जानते हैं कि हाँ भाई एसिड्स क्या होते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि भाई एसिड्स के बाद जो होते हैं उनके ऐसी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इस एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट है, या फिर ऐसी कौन सी डेली रूटीन में चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे एसिडिक नेचर की होती है। प्लस मैं जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, न्यूट्रल, आखिर ये चीज़ें है क्या, ठीक है? तो आज ये पूरा हम डिस्क्राइब करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, पहले एसिड्स के बारे में, फिर बेस के बारे में, फिर देखेंगे कि इनके क्या क्या इन्वॉल्वमेंट और क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर। प्लस डे टू डे लाइफ के अंदर हम कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई कौन सी चीज़ जो एसिड है, प्लस उसका क्या क्या इफेक्ट है, और कैसे हम चेक कर सकते हैं भाई कौन सी चीज़ जो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं, वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई एसिड के बारे में, ठीक है? तो आप सबको इतना तो पता ही होगा भाई एसिड क्या होता है, नहीं भी पता तो आज हम इसीलिए कि हाँ भाई एसिड क्या होता है, ठीक है? कभी भी अगर आपने देखा हो कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसा कोई लिक्विड जिसको आप टच करने से देखते हो या फिर टच करने से वो बड़ी ही हार्मफुल होती है आपके लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई वहाँ पर लिखा होता है डू नॉट टच, ऐसे केमिस्ट्री लैब के अंदर जो बड़े बड़े केमिकल्स के ऊपर लिखा होता है भाई डू नॉट टच दिस बिकॉज दिस इज एसिड। तो मतलब हमें इतना तो पता है कि भाई एसिड कुछ हार्मफुल चीज़ है जिसको हम अपने हाथ से नॉर्मली टच नहीं कर सकते। जबकि अगर बात करें बेसिस की तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, बात करें सोल्ट की तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, बट एसिड में ऐसा क्यों लिखा होता? आखिर ऐसी क्या चीज़ है एसिड के अंदर जो इतनी हार्मफुल बनाती है उस एसिड को? क्या कॉन्सेंट्रेशन है भाई? कॉन्सेंट्रेशन बोलते ना कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है भाई यहाँ पर, ये डाइल्यूट एसिड है, यहाँ पे एसिड का सोल्यूशन है, यू कैन टच ओनली एसिड का सोल्यूशन या फिर जो डाइल्यूट एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को आप टच नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो सब भी आज बात करने वाले हैं, ठीक है? ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखी है पीएच जो है भाई इसका 7 से लेस होता है। अब मैम पीएच क्या होता है? चलिए पीएच की बात आई गई तो कर ही लेते हैं भाई। एक स्केल होता है बेटा हमारे पास पीएच जिसको हम बोलते हैं, जो कि होता है 0 से 14 तक, इसका बीच का मिड पॉइंट होता है 7, ठीक है? अब 0 से 14 है तो मिड पॉइंट क्या होगा? 7 ही होगा। अब उस 0 से 14 के स्केल के ऊपर जो 7 होता है हमारा मिडल नंबर, उस मिडल नंबर से इतने भी नीचे वैल्यूज आती है, ठीक है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कुछ भी भाई, अगर वो एसिडिक है नेचर के अंदर, तो उसका जो पीएच होगा यानी कि उस स्केल के अंदर उसका जो नंबर होगा ना बच्चा, वो आएगा हमारा 0 से 7 के बीच में, ठीक है? 7 से हमेशा कम ही होगा, ओके? पर अगर वहीं अगर हम बात करें कि 7, तो 7 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। हम यहाँ बात करें लेस देन 7, नॉट इक्वल टू 7, ठीक है? तो आप ये बात याद रखना, जब मैं आगे पीएच बेस के बारे में बताऊंगी, सोल्ट के बारे में बताऊंगी, तो पूरा क्लियर हो जाएगा भाई क्यों मैं बोल रही हूँ यहाँ पर लेस देन 7। बस इतना याद रखना कि भाई हमारे पीएच एक वैल्यू है, पीएच एक स्केल है जिसके अंदर हम पता कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट एसिडिक है, और एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, ठीक है? इतना तो हम देख लिया कि हमें पीएच जो है इसका 7 से कम ही होता है, प्लस न्यूट्रलाइज करता है बेस, क्या करता है ये? अगर किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी बेसिक चीज़ के अंदर ना, सॉल्यूशन में छोड़ो, किसी भी बेसिक चीज़ के अंदर अगर हम ऐड करते हैं ना हमारा एसिड, तो वो क्या कर देता है? उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देता है, अगर हमारा उसी अमाउंट का बेस और उसी अमाउंट का एसिड ले रहे हैं तो। अगर ज़्यादा एसिड डालोगे तो वो एसिडिक ही होगा, ठीक है? और अगर कम एसिड डालोगे तो वो बेसिक ही रहेगा, बट कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है? तो वो क्या करता है, अगर सेम अमाउंट का बेस डाला है और सेम अमाउंट का एसिड उसमें डाल दिया, अगर सेम अमाउंट का हम जितना बेस लिया है उतना ही एसिड डाल रहे हैं, तो क्या करता है, उस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। साथ ही में फॉर्म करता है H+ आयन इन सॉल्यूशन। जब कभी भी, बात करते हैं सॉल्यूशन की, जब कभी भी हमारा जो एसिड, जो भी सब्सटेंस है वो एसिड है, वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर एक सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, दैट मीन्स वो किसी और सारे मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत सारा बॉन्ड बना के बैठा हो, या फिर बोल रहे हो कि हमारा एसिड जो है वाटर के अंदर है, वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर हमें प्योर एसिड नहीं मिलेगा, वो किसी के साथ डिजॉल्व्ड है, ठीक है? अब वो डिजॉल्व किसी के अंदर भी हो सकता है, तो उन्होंने सॉल्यूशन बना दिया। अब उस डिजॉल्व सॉल्यूशन के अंदर ना हमें एसिड क्या देता है बेटा, H+
आयंस, ठीक है, वो हमें रिलीज करता है H+ आयन। जब कभी भी एसिड किसी भी सॉल्यूशन के अंदर होता है तो भाई वो रिलीज करता है H+ आयन, और यही खासियत है हमारे एसिड की जो कि उसको बेस से अलग बनाती है, जो कि उसको न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से अलग बनाती है। साथ ही में corrosive react with the most metal to form the hydrogen gas। साथ ही में इनका जो है बहुत सारी गैसेस के साथ रिएक्शन होता है, जो गैस और जो हमारी एसिड है वो बड़े ही आराम से किसी भी गैस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और रिएक्ट करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं। जब कभी भी आपने केमिस्ट्री लैब के अंदर गए और आपने देखा होगा किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर पॉप सी साउंड प्रोड्यूस होती है तो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। अब वो हाइड्रोजन गैस कब कब रिलीज होती है, जब कभी भी हम किसी भी एसिड को रिएक्ट करवाते हैं किसी भी मेटल के साथ, वो पॉप साउंड प्रोड्यूस हो, दैट इंडिकेट्स के वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है बेटा। अब वो क्यों हो रही है, उसका रीजन हमने यहाँ देखा कि भाई जब कभी भी हमारा एसिड जो है रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ, क्योंकि वो बड़े ईजिली कर लेता है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो कोरोसिव रिएक्शन करता है वो, तो इसीलिए भाई वहाँ पर क्या हाइड्रोजन को फॉर्म करता है, प्लस एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इतना हमने जान लिया भाई एसिड के बारे में, आगे और देखते हैं एसिड के बारे में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा है एसिड की जनरेट आयन, भाई एसिड जो जनरेट करता है आयन, जो कि हमने देखा है एच प्लस आयन वो हमें देता है, दैट इज जब हमने देखा कि भाई सॉल्यूशन के अंदर वो एच प्लस आयन देता है, बट यहाँ पर जब वो फॉर्मूला कर रहा है भाई वाटर के साथ उसको मिलाया जाए, सपोज हमने कोई जो है एसिड लिया है दैट इज HNO3, ठीक है, ये हमने एसिड को वाटर के साथ डिजोल्व करा है, वाटर के अंदर उसको सॉल्यूशन क्रिएट करा है, तो हमें मिला भाई H3O+ का एक आयन, दैट मींस कि H+ के साथ साथ ही और भी बहुत सारे आयन जो है रिलीज आउट करता है जब कभी भी हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं। दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड जो कि हम रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के साथ, ठीक है, कि भाई कौन सा आयन जो है रिलीज होगा। सपोज यहाँ पर जो है हम HNO3 ना करके क्या करते HCl, ठीक है बच्चा, हम अगर HCl ले रहे होते तो क्या होता है कि वो भी एक एसिड है, तो मैंने वो ले लिया तो भाई हमें क्या मिलता होता भाई H3O+ में जो हमारा यहाँ पर H की पावर जो 3 आ गए, प्लस में हमारा जो है भाई क्या Cl जो है रिलीज, Cl2 जो है गैस रिलीज हो जाती। दैट विल डिपेंड कि हम कौन सा एसिड ले रहे हैं तो कौन से प्रोडक्ट जो है बनेंगे। ये आयन बनेगा वो तो पक्का है कि हमें ये आयन बनेगा, बट कौन सी क्या चीज़ रिलीज होगी तो वो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि हाँ भाई क्या हमने एसिड लिया है। अगर आप इसके अलावा और कोई एसिड लोगे तो उससे भी आपको पता चल जाए कि आपने कौन सा जो है यहाँ पर एसिड लिया है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनेंगे। बट यहाँ पर H3O+ का आयन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज जो एसिड है वो जनरेट करता है ये वाला आयन जब वो रिएक्ट करता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं इसके रिएक्शन के आगे, दैट इज यहाँ भाई वीक एसिड कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, ठीक है। अब वीक एसिड मीन जिनकी वैल्यू जो है ना बेटा वो लाइक सपोज लगा लो 5, 6, 7, वो सारे क्या हो गए हमारे वीक एसिड, बिकॉज जितना हम उस स्केल के अंदर नीचे जाते रहेंगे दैट मीन्स 1, 2, 1.5, 3 ये सब क्या हो गएंगे हमारे एसिड जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तभी तो वो इस लेवल मतलब तभी तो उनका जो pH स्केल है वो इतना कम आ रहा है। तो आप इसे याद भी कर सकते हैं कि भाई जितना pH स्केल की वैल्यू कम होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और उतना ही वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई भाई हमारे लिए कि हाँ भाई इस बेसिस पे पीएच के बेसिस पे हमने क्या कुछ कैटेगराइज करा है कि कौन कौन से जो एसिड्स है वो आगे आते हैं, यानी कि 5, 6, 7 तक आते हैं, नॉट 7, 5, 6 तक आते हैं, और कौन कौन से जो है 1, 2, 3 तक आते हैं। हम देख लेते हैं वीक एसिड्स, वो जो कि आयोनाइज नहीं करते कम्प्लीटली सॉल्यूशन के अंदर, वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं करते हैं, बट वहीं अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो आयोनाइज कर लेता है कम्प्लीटली सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। दिस इज क्लियर कि हाँ भाई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, पीएच स्केल पे डिपेंड करते हैं। प्लस सेकेंड, जो भाई हमारे वीक एसिड होते हैं वो आयोनाइज नहीं कर पाते, जो अभी पीछे रिएक्शन देखी थी वहाँ पर कंप्लीट आयन जो है, अगर वहाँ पर कोई वीक एसिड होता तो प्रॉपर कंप्लीट आयन जो है रिलीज नहीं कर पाता, प्रॉपर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं कर पाता। बट वहीं अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था दैट इज HNO3 और HCl, तो वो सब कहते हैं भाई हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वहाँ पर क्या उन्होंने आयोनाइज कर दिया था, जैसे कि ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रियोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे एसिडिक, बोरिक, नाइट्रस, फॉस्फोरिक एंड सल्फोरस, ये सारे क्या हैं हमारे एसिड्स हैं, बट ये वीक हैं कुछ, और ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
हाँ जी मतलब आगे की जगह पीछे चली गई, कोई नहीं, मेरे साथ तो ये अक्सर हो रहा होता है, हमेशा हो रहा होता है। हाँ जी चलो बात करते हैं कुछ कॉमन ऐसे जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और उन सबके यूज़, ठीक है, उन सबके फुल फॉर्म जो हमने आगे यूज़ किए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्टमक एसिड है, ठीक है, स्टमक के अंदर भी ये रिलीज होता है जब कभी भी भाई हमारा डाइजेशन हो रहा होता है, तो उस दौरान हमारे बॉडी के अंदर स्टमक जो है रिलीज करता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि डाइजेस्ट करता है हमारे जितने भी फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है, ये हमें मिलता है हमारे कार की बैटरीज में, क्योंकि ये वीक है तो इसलिए हम आराम से उसको बैटरीज में लगा देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि भाई वहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी लगा सकते हैं, कार की बैटरीज में स्ट्रॉन्ग नहीं लगा सकते, इसलिए वहाँ पर हमने वीक एसिड लगाया है, और क्योंकि कम्प्लीटली आयोनाइज कर दे कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं करते हैं तो इसलिए हम बड़े ही आराम से इनको कार की बैटरीज में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 जो कि हमारे एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, यानी कि जब कभी बम वगैरह बन रहे होते हैं तो उसके अंदर हम एसिड को यूज़ करते हैं। अनदर इज द एसिटिक एसिड जो कि विनेगर के अंदर होता है, एंड अनदर इज द कार्बोनिक एसिड जो कि सोडा के अंदर होता है, कोई हम लेमनेट सोडा पी रहे होते हैं तो उसके अंदर जो एसिड होता है वो होता है भाई हमारे पास कार्बोनिक एसिड, बिकॉज कार्बन की गैस उसके ऊपर होती है, ठीक है, अब जैसे ही उसको हम खोल देते हैं सोडा की बोतल तो कार्बन गैस निकलती है, बट उसके अंदर जो चीज़ होती है वो एसिड होती है, जिसको पीने के बाद आपको कभी कभी एसिडिटी भी फील हुई होगी, ठीक है। लास्ट इज दी फॉस्फोरिक एसिड जो कि फ्लेवरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेप्सीज वगैरह में फ्लेवरिंग के लिए फ्लेवर डालने के लिए ये वाले एसिड जो कि बहुत ही वीक होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वॉट इज़ अ बेस, ठीक है, वॉट इज़ अ बेस, अब क्योंकि हमने एसिड की पूरी बात कर ली है, एसिड क्या होते हैं, पीएच में क्या क्या उनकी वैल्यूज है, प्लस हमने देख लिया कौन से वीक होते हैं, कौन से जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, प्लस हमने ये भी बात कर ली है कि भाई उनकी जो प्रॉपर रिएक्शन वो करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या कर रहे होते हैं, कैसे कर रहे होते हैं रिएक्शन, उनका क्या क्या होता है, ठीक है, तो उन बेसिस पे हमने देख लिया। प्लस हमने ये भी देख लिया कि भाई कहाँ कहाँ पर डेली डे टू डे लाइफ के अंदर एसिड जो हमारे यूज़ होते हैं और क्या क्या उनकी फुल फॉर्म है वो भी हमने देख लिया, क्या क्या उनकी सिम्बॉलिक फॉर्म है वो भी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, अच्छे से देख ली है। अब बात करते हैं हमारे बेसिस के ऊपर, फिर चलेंगे भाई हमारे सोर्स के ऊपर। हाँ जी, तो वॉट इज़ अ बेस, pH जनरेट ग्रेटर देन 7, अब क्योंकि भाई वहाँ पर 7 से कम था तो बेस क्या होगा, जस्ट अपोजिट है हमारे एसिड के, तो वो क्या होगा भाई, वो 7 से ज़्यादा ही होगा, उनका pH क्या होगा भाई, उनका pH 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि भाई अच्छा बेस का तो ज़्यादा होता है और एसिड का इतना कम होता है, बट फिर भी हार्मफुल तो एसिड है, बेस तो इतना हार्मफुल नहीं है, तो भाई pH की वैल्यू से ये कोई डिपेंड नहीं करता कि क्या ऑब्जेक्ट या फिर क्या सब्सटेंस हमारे लिए हार्म होगा, ठीक है, हार्मनेस उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उससे आती हैं, तो आप ये मत देखना कि भाई क्योंकि इसकी पावर इतनी कम है एंड स्टिल ये हार्मफुल है और ये इतनी पावर कम है तो उसको तो pH में तो बल्कि ज़्यादा नंबर देना पड़ेगा, राइट, बट क्योंकि बेटा ये इंडिकेटर है कि यहाँ पे एक pH स्केल आता है कि वहाँ पर अगर आप एसिड के ड्रॉप डालोगे या फिर अपने बेसिस के ड्रॉप डालोगे तो आपको मेंशन करेगा कि हाँ भाई इसका कलर जो है कहाँ पर आएगा, ठीक है, दैट मीन जो एसिड होते हैं ना वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है, जबकि हमारे बेसिस होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है, तो ब्लू 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 डार्क ब्लू होता है 14 एंड धीरे धीरे करके वो ब्लू थोड़ा सा लाइट 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 होता रहता है एंड वो 8 तक चलता है, और सारे कलर्स अगर आप डालते हैं कि उस pH पेपर पे, ठीक है, pH पेपर पे अगर आपने कहीं भी ड्रॉप डाल दी और आप देखोगे कि भाई उसका जो कलर है उस pH पेपर का वो थोड़ा सा जो है डार्क ब्लू है, बट इतना डार्क नहीं है कि वो 14 है, तो आप उसको मैच करके देख सकते हैं कि उसका नंबर कहाँ आएगा, और उससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई आपका pH नंबर क्या है, प्लस pH नंबर से आप ये भी देख लेना कि हाँ भाई बेस आपका स्ट्रॉन्ग है या फिर बेस जो है आपका वीक है, ठीक है। अब जैसे एसिड है, बिकॉज एसिड का जस्ट अपोजिट हम आपका बेस है, तो भाई जैसे एसिड है ना, एसिड में नीचे जाकर के जो है हमें पता चलता है कि किसका जो जितना हम नीचे जाते हैं pH स्केल के अंदर, तो हमें पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, वहीं बेस क्योंकि उसका उल्टा तो वो उल्टी गिनती लेता है, यानी कि जितना हम ऊपर जाते हैं बेस के केस के अंदर, दैट मीन 14, तो वो होगा सबसे ज़्यादा आपका क्या बेसिक नेचर, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा आपका, जिसका pH की वैल्यू क्या आएगी 14। आई होप दिस इज क्लियर कि हाँ भाई अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक, और अगर जितना हम नीचे जाएंगे दैट मीन्स 1-2 तक जाएंगे तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर जितना ऊपर जाएंगे दैट इज 14-13 तो कितना होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। अब बात कर लेते हैं 7, तो भाई 7 होता है सॉल्ट, ठीक है, 7 होता है एक न्यूट्रल
चीज़, ठीक है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, जहाँ पर उतने ही अमाउंट का एसिड और उतने ही अमाउंट का बेस मिला होता है, ठीक है। जैसे आपका एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है बेस को, वैसे ही आपका बेस भी न्यूट्रलाइज कर देता है आपके एसिड को। एरा न्यूट्रलाइज दी एसिड, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसका पीएच जो है नीचे होता है। फील स्लिपरी जब कभी भी फ्लोर्स पे होता है, जितने भी सोपी सॉल्यूशंस होते हैं वहाँ पर जो है हमारा बेस होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पर जितने भी वो थे लाइक सोडा वगैरह में था एसिड हमारा, और पेप्सी में फ्लेवरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, या फ्लेवरिंग के लिए और अलग अलग जगह पर भी उसको यूज़ करते हैं एसिड को हम, ठीक है। प्लस जब वॉशरूम को क्लीन करती हैं मम्मियाँ तो वहाँ पर भी एसिड डलता है, ठीक है, जब कभी उसको हाथ से नहीं लगाते, ठीक है। और जो डालते हैं, जब कभी आपने सुना होगा कि हाँ भाई एसिड अटैक, वो आपको पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा हार्मफुल है। प्लस एसिड रेन भी होती है, और उस रेनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं एसिड रेन के इफेक्ट, बैड इफेक्ट, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है एसिड की करेक्टराइजेशन थी। और वैसे ही अगर हम इसके बाद पे आएंगे कि हाँ भाई बेस क्या होता है, तो भाई बेस के वजह से क्या, जब कभी भी सोपी सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, और इसलिए क्या हमें फील स्लिपरी करते हैं उस सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। प्लस डिजोल्व फैट एंड ऑयल, ये अपने अंदर सॉयल एंड फैट को डिजोल्व करता है, यूजुअली फॉर्म एच माइनस आयन इन दी सॉल्यूशन। जैसे हमारा एसिड था वो एच प्लस आयन बना रहा था, और एच प्लस आयन भी अगर सॉल्यूशन में डाल रहे थे तो हमने देखा था भाई वो क्या बना रहा है, एच थ्री ओ प्लस, तो वहाँ पर प्लस था, वैसे ही यहाँ पर क्या बना था भाई, नेगेटिव आयन। और नेगेटिव आयन भी किसके, वो एच प्लस बना रहा था, यहाँ पर ये ओ एच माइनस के आयन जो है निकालेगा। ये इसकी खासियत है, वो उसकी खासियत थी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें ना बच्चा आपको ये याद करनी पड़ेगी, बिकॉज एग्जाम्स के अंदर आता है कि मेजर डिफरेंस क्या है भाई हमारे एसिड और बेसिस के अंदर। इसलिए ये पॉइंट्स अगर आप वहाँ पे वो भी मेंशन कर रहे हो ना, प्लस दो तीन एग्जांपल्स के साथ, बड़े आराम से आपको फुल मार्क्स देने वाले हैं। नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन हो या फिर 3 मार्कर का, और ये हमेशा आता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा गौर कर रही हूँ दोनों चीज़ों के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको बड़े आराम समझ में आया, बड़ी ही ईजी चीज़ है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, पता नहीं क्यों इसको इतना हवा सा बना रखा है, ठीक है, जो कि नहीं है, ईजी है, बड़े आराम से। एक बार अगर आप मेरी वीडियो देख भी रहे हो ना पूरी, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। वो खुद को एक बार एनसीईआरटी भी खोलने की जरूरत नहीं है, बस सीधा एनसीईआरटी में जाना और पीछे पीछे जाना, एक स्वयं क्वेश्चन आपसे देखना कि हाँ भाई क्या हमसे हो पा रहा है या फिर नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, दैट इज द वीक स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे हमने एसिड के अंदर देखा था कि हाँ भाई कौन से वीक होते हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया, अभी पीएच के लेवल से हम पता कर सकते हैं। प्लस पीएच में हम देखते कैसे मैंने वही बता दिया, हम सॉल्यूशन को डालते हैं भाई अपने पीएच स्केल के ऊपर, पीएच पेपर के ऊपर, पीएच पेपर की वजह से हम जो है वहाँ पर देख लेते हैं पीएच स्केल के अंदर कि कौन सा कलर है, ताकि वहाँ पर उसको मैच कर पाए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक बार देख लेते हैं कि वीक बेसिस कौन कौन से हैं एंड वीक स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से, क्या क्या उनके एग्जाम्पल है। वीक बेसिस आर अमोनियम, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉस्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई होप दिस इज क्लियर। सभी नाम थे आपको याद करना, दो तीन भी अगर आप याद करें तो बढ़िया है, ठीक है, कुछ नहीं आता इतना। चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे कॉमन बेसिस जो कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, क्या क्या इनके काम है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। वन मार्कर में अक्सर पूछा जाता है कि भाई मुझे बताओ कि आपके स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि HCl जो है आपके स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। अगर इतना ईजी भी नहीं आया तो बोलेंगे फ्लेवर्स में कौन सा डलता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा फ्लेवर में डलता है, कार्बोनिक एसिड। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है याद करनी पड़ेगी। अब देखते हैं यहाँ पर NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सोप्स में होता है, ड्रेन क्लीनर में होता है। जैसे टोल्ड यू कि भाई सोपी सॉल्यूशन जो होता है वहाँ पर हमारा क्या होता है, बेस होता है, तभी हमें स्लिपरी लग रहा होता है वो, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा एंटा एसिड। जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि भाई एसिडिटी हुई है, तो एसिडिटी को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस हम ले रहे होते हैं, या फिर जो इनो वगैरह में जो बेस होता है, आपने अक्सर सुना होगा ना भाई इनो ले लो, तो इनो में ऐसा होता क्या है भाई, एसिडिटी हो रही है इनो ले लो, डाइजीन ले लो, कुछ लिक्विड ले लो, तो ये सब चीज़ क्या हो रही होती है भाई, वो एक बेसिक सॉल्यूशन होता है जो एक इंसान ले रहा होता है अपने स्टमक के अंदर, बिकॉज स्टमक के अंदर ही क्या एसिड रिलीज होता है। और जब कभी भी एसिड की मात्रा इतनी बढ़ जाती है तो भाई हमें एसिडिटी होती है, बिकॉज वहाँ से गैसेज रिलीज हो रही होती है, और जब इतनी सारी गैसेज रिलीज हो रही है, दैट मीन्स एसिड का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है हमारे पेट के अंदर, और जब इतनी गड़बड़ चल रही है तो उसको क्या करना है, हमें न्यूट्रलाइज करना है, बिकॉज एसिड को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो दैट इज़ ओनली बेस, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं ना कि भाई अच्छाई है तो बुराई भी है, तो वैसे ही हमारे लिए बुराई हमारे लिए एसिड है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्लस
अच्छाई हमारे लिए बेस है, जो कि अगर बुराई के होते वक्त अच्छाई आ जाएगी तो फिर उसको ओवरकम कर देगी और हम नॉर्मल हो जाएंगे। तो वैसे ही केस होता है हमारे स्टमक के अंदर, जब कभी भी एसिडिटी हो रही होती है तो हम बेस का सोल्यूशन जो है ले लेते हैं, एंड लेने के बाद जो हमारा टमी होता है वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रही होती है। तो जितना भी बेस हम लेते हैं बाहर से वो न्यूट्रलाइज करता है उस एसिड को, ठीक है। तो अगेन डिपेंड करेगा कि हाँ भाई कितना एसिड वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। अगर ज़्यादा एसिडिटी है तो हमें गोलियाँ भी खानी पड़ती है, टैबलेट्स भी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इनो से भी कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। वो डिपेंड करेगा भाई कितना एसिड प्रोड्यूस हुआ है। अगर थोड़ा सा एसिड प्रोड्यूस हुआ है नॉर्मल इनो से भी काम चल जाएगा, नॉर्मल लिक्विड से भी काम चल जाएगा, दैट इज डाइजीन एंड ऑल, ठीक है। बट उस केस के अंदर बेटा जो आपका जो बेस आपका यूज़ किया जाता है जब कभी आपको एसिडिटी होती है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है भाई, और हर बार मतलब तकालो दो दो साल के पैटर्न के बाद एक क्वेश्चन आता ही आता है कि भाई ऐसा कौन सा बेस है जो हम लेते हैं अगर किसी को एसिडिटी हुई हो तो, ठीक है। आपको ये याद नाम उसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये भी एंटी एसिड है, प्लस ये डिओड्रेंट्स में भी यूज़ होता है, ओके। डिओड्रेंट्स में ये यूज़ होता है, जैसे वो फ्लेवरिंग के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे डिओड्रेंट्स में यूज़ होता है। लास्ट इज अमोनिया, जो कि अमोनिया के अंदर होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि अमोनिया के अंदर पाया जाता है। दिस इज क्लियर, हम सारे इसके यूज पढ़ लिया। अब देखते हैं भाई टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है, कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं इनके, फिर आगे बढ़ते हैं। दैट इज इन 1800 सेंचुरी द केमिकल कंसेप्ट वर बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन पे डिपेंड करता था, ठीक है। तो भाई हमारे थे कुछ अरहेनियस, उन्होंने कुछ बताया था कि भाई अरहेनियस के अकॉर्डिंग, उन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, अरहेनियस के अकॉर्डिंग के एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। तो दोनों ने बोला था कि जब कभी भी जो हमारे एसिड होंगे अरहेनियस के अकॉर्डिंग, जो एसिड होंगे वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेंगे और जो बेस होंगे वो हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये प्रोड्यूस करेंगे H+ एंड ये प्रोड्यूस करेंगे OH- अकॉर्डिंग टू अरहेनियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला भाई इसके बारे में और क्या क्या चीज़ है जो इसके अंदर आई। नेक्स्ट इज थे अब वॉटर मोर द मॉडर्न कंसेप्ट। अब मॉडर्न कंसेप्ट आया था वो 18th century का था। अब मॉडर्न कंसेप्ट आया था, उन्होंने क्या बोला था, वो हमने क्या, हमने किसने दिया, ब्रॉनस्टेड ने दिया, ठीक है। ब्रॉनस्टेड लॉरी ने दिया अपना, कि उनके अकॉर्डिंग कि भाई जब कभी भी हमारा हाइड्रोजन आयन डोनेट होता है रिएक्शन में तो हम बोलेंगे उसको एसिड, ठीक है। और अगर एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयन तो क्या होगा, बेस। दैट मीन्स अगर कोई जो, हाँ जी, अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई जो चीज़ है या फिर बोलो सॉल्यूशन के अंदर जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, अगर उस कंपाउंड ने बचा हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करा है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करा है। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि भाई पानी है, ठीक है, पानी के अंदर मैंने बोला कि भाई वहाँ पर थोड़ा सा ना क्या अमोनिया पड़ा है पानी के अंदर, ठीक है। अब पानी के अंदर जो अमोनिया, तो क्या करेगा, जो पानी की आयन है दैट इज H2O, ठीक है। अब वो जो H2O, उसमें से एक H जो है, ठीक है, उसमें से एक H जो है कौन ले लेगा, हमारा अमोनिया, ठीक है। और क्योंकि उसने वो H ले लिया, ठीक है, उसने वो H ले लिया और वो बन गया NH4, ठीक है, NH4 बन गया, और क्योंकि वो NH4 बन गया तो भाई बचा क्या, H2O क्या बचा, OH। अब वो जो OH बचा उसने OH रिलीज कर दिया। अब इस केस के अंदर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई उसने H ले भी लिया और OH- रिलीज भी कर दिया, दैट मीन्स इस थ्योरी के अंदर, इस पूरे इक्वेशन के अंदर भाई दोनों लॉज जो हैं, जो कि हमें अरहेनियस ने दिया था और जो हमें ब्रॉनस्टेड लॉरी ने दिया है जस्ट अभी अभी, के भाई H2 को अगर गेन करता है तो वो क्या होगा हमारे लिए, हमारा बेस और OH- को रिलीज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या सेटिस्फाइड हो गए इस पूरे इक्वेशन के अंदर। सेम एज इट इज़ कि हाँ भाई वो H को डोनेट भी करेगा, ठीक है, और H+ आयन जो है गिव भी करेगा, अगर हम एसिड का केस ले रहे हैं तो। अब आगे देखते हैं कि भाई और कौन कौन से साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो अगेन एक साइंटिस्ट ने क्या दिया, दैट इज द कंजुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अब एक बार देखते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड क्या है, दैट इज कंपाउंड फॉर्म व्हेन अ बेस गेन अ हाइड्रोजन आयन। अगेन कॉन्जुगेट एसिड क्या बोलेंगे, जब कभी भी हाइड्रोजन आयन जो है गेन किया गया होगा, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म व्हेन अ बेस गेन एन हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब जो मैंने बोला कि भाई वो जो कंपाउंड था अमोनिया का, ठीक है, अब बच्चा जब उसने हाइड्रोजन आयन को गेन करा तो गेन करने के बाद पहले तो वो बेस था, बट गेन करने के बाद अब वो क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, क्या। अब गेन करने के बाद उसने गेन करा क्यों, बिकॉज वो बेस था, गेन करा क्यों, बिकॉज वो बेस था, बट गेन करने के बाद वो क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। अब आपको ये कैसे याद करनी है कि भाई आपने
आप पहले थे अच्छे, ठीक है, तो आपने किसी कुछ नहीं लिया, बट जैसे ही आपने आप अच्छे थे और आपने, ठीक है, और आपने कुछ लिया नहीं, पर जैसे ही आपने किसी से कुछ चीज़ ले ली ना, तो आप उस टाइम क्या बन गए? बुरे, ठीक है, उस टाइम आप क्या बन गए? बुरे। जैसे ही आपने गेन करा, तो वैसे ही पहले तो बेसिक था, बट जैसे ही उसने एच प्लस गेन करा, ठीक है, जैसे ही उसने एच प्लस का आयन गेन करा, वो क्या बन गया भाई हमारे लिए? हमारा कॉन्जुकेट एसिड हो गया, बन गया एसिड। उसके आग लगा दिया कॉन्जुकेट एसिड, बिकॉज वो कहीं ना कहीं पहले बेस था, अब वो जाकर उसने हरकत करी, यानी कि उसने एच प्लस आयन ले लिया, तो वो क्या बन गया? कॉन्जुकेट एसिड। वैसे ही अगर किसी ने, किसी कंपाउंड ने एच का आयन जो है डोनेट करा होगा, एच का आयन कौन डोनेट करेगा भाई? एसिड, ठीक है, डोनेट कर दिया, और डोनेट करने के बाद अब क्या बन गया? डोनेट करने के बाद तो खाली हो गया ना, ठीक है, पहले पैसे थे, पहले पैसे थे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई पहले पैसे नहीं थे तो गरीब थे, पैसे अब ले लिए तो क्या बन गए? अमीर। पहले तो थे ना गरीब, यानी कि पहले तो थे बेसिक ना, अब गेन करने के बाद क्या बन गए? एसिड। और कौन से वाले एसिड? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड कैसे अमीर बने हो? जिन्होंने किसी से पैसे उधार लिए हैं, खुद से नहीं कमाए, ठीक है, तो वैसे क्या हो यहाँ पर भी? कॉन्जुगेट एसिड। वैसे ही अगर एसिड का क्या होता है भाई? एसिड क्या होता है? जो कि एच को देते हैं, डोनेट करते हैं। अब जैसे ही आप उनके पास पैसे थे और आपने डोनेट कर दिए, तो आप क्या हो गए? अगेन पुअर। अब आप गरीब हो गए ना अगेन, तो अब इस टाइम आप कैसे गरीब हो? कि आपने डोनेट करने के बाद गरीब हो, ये नहीं कि आपने सबका लूट गया या फिर आपके काम की वजह से ये सब चीज़ गया, वो आपने डोनेट करा। तो वैसे ही बेस के अंदर भी क्या होगा बच्चा? कि बेस के अंदर भी अगर जो एसिड है, अगर एसिड ने जो है डोनेट कर दिया, डोनेट करने के बाद क्या बन जाएगा? वो कॉन्जुगेट बेस। आई होप आप इसे रिलेट कर पा रहे हो। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, पैसा लेना, पैसा लेना, तो आपको बस ये याद रखना है कि भाई जिसने दे दिया, चाहे वो क्या था, अमीर, बट देने के बाद क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा, उसके पास नहीं होगी, वो अगेन पूर हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर चल रहा है कि भाई जब तक बेस था तो था, अब जैसे ही हाइड्रोजन ले लिया, अब वो क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। जब तक एसिड था तो था, अब जैसे ही उसने डोनेट कर दिया एच आयन, जो कि वो करेगा, बिकॉज उसकी खासियत है भाई वो एसिड है, तो वो डोनेट करेगा, ठीक है, जो कि हमें किसने बताया? हमें ब्रॉनस्टेड लॉरी ने बताया कि वो डोनेट करेगा ही करेगा, तो क्योंकि उसने डोनेट कर दिया, डोनेट करके क्या बन गया? वो कॉन्जुगेट बेस। आई होप दिस इज क्लियर कि हाँ भाई क्या होता है हमारा के लिए कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। अब देख लेते सारे एग्जाम्पल, यहाँ भाई कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या इनका पीएच होता है। दिस इज द पीएच स्केल बच्चा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो उस टाइम कि हाँ भाई मैं क्या बोल रही हूँ, मैम रेड ब्लू नीचे नीचे करके चलता रहता है और नीचे नीचे करके लाइट होता रहता है, तो दिस इज द पीएच स्केल। यहाँ पर सब कुछ मेंशन है कि हाँ भाई जितना ज़्यादा रेड होगा उतना ज़्यादा खतरनाक, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना ज़्यादा ब्लू होगा उतना ज़्यादा बेसिक, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। यहाँ पर रखा है जो ब्लीच होता है वो कितना होता है? 12 होता है उसका बेसिक पीएच नंबर, उसका 12 होता है, इतना वो बेसिक होता है। डिटर्जेंट जो होता है वो 10 होता है उनका। बेकिंग सोडा उसका 9 होता है, यानी कि वो भी क्या होता है भाई हमारे लिए? हमारे बेसिक्स है, ठीक है। जे 8 और 7 to 8 के बीच में जितने भी आते हैं, लाइक 7.1 से लेकर 8 तक, वो सारे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है वाटर का, यही होता है। जो रेन होती है उसका पीएच होता है 5.5। जो वाइन होती है उसका, जो वाइन होती है उसका जो पीएच होता है 4। लेमन जूस का होता है पीएच 2। मिल्क का भी पीएच होता है हमारे पास 3 या 4 के बीच में। तो ये सब चीज़ क्या है भाई बता रही है, इंडिकेट कर रही है कि भाई अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल किस किसका क्या क्या जो है हमारा पीएच नंबर होता है, और उस पीएच नंबर के अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं कौन ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग बेस और कौन वीकर है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे पीएच पेपर पे। पीएच के मैंने आपको दिखा दिया पीएच पेपर क्या होता है, जिसकी मैंने बात करी थी, ठीक है। पीएच पेपर में बेटा आप देखते हैं सॉल्यूशन डालकर, पीएच पेपर चेंज करता है कलर, जो कि इंडिकेट करता है कि भाई पीएच वैल्यू क्या है, ठीक है। पीएच पेपर कलर चेंज करता है जब कभी भी उसको हम उस पर एसिड डालते हैं तो वो रेड दिखाएगा, और जब कभी भी उसको बेस डालते हैं तो ब्लू दिखाएगा, और उसमें भी वो उतना ही दिखाएगा पीएच पेपर जितना वो होगा। अगर लाइट ब्लू है यानी कि वीक बेस है तो वो लाइट ब्लू ही दिखाएगा, डार्क ब्लू नहीं दिखाएगा। तो जो इंडिकेट करता है क्या, जो इंडिकेट करता है भाई कि भाई कितना पीएच वैल्यू है, तो उसको क्या बोलेंगे? हमारा पीएच पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बफर क्या होता है, ठीक है। हमेशा कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई जो कहीं ना कहीं एरर होता है, ठीक है। आप कोई कितनी भी चीज़ एफिशिएंटली कर ले हो, ठीक है, अगर आपने कोई एक लेटर लिखा है, सपोज आपने एक लेटर लिखा है और आप बड़े आराम से देख देख के करो कि नहीं यार मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी, मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी, बट फिर आप एक बार गो थ्रू जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाती है वो रेड लाइन, अरे रह गया ना,
इतना देखने के बावजूद भी कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, तो वो चीज़ क्या होती है भाई, एरर। ऐसे अगर कभी भी ऐसा होता है कि भाई लिटमस पेपर के अंदर हम बहुत ही वीक, ठीक है, जिसका जो पीएच हो सपोज अगर 5 to 6 या फिर मैं बोलूँ 6 to 7 के बीच में, अगर 6.9 पीएच वाले, ठीक है 6.9 है, न्यूट्रल के जस्ट 0.1 है ना कम न्यूट्रल से, वो तो ऐसे एसिड को अगर हम डालते हैं, मतलब अगर किसी भी एसिड को मैं इतना न्यूट्रलाइज कर देती हूँ उसका जो एसिडिक नेचर है वो 6.9 हो गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, हमें बफर आएगा। बफर यानी कि हम उसमें लिटमस पेपर के या फिर पीएच पेपर, जो कि हम लिटमस पेपर ही यूज़ करते हैं, पर अगर हम पीएच पेपर में डालेंगे उस एसिड को जिसका अब पीएच कितना हो गया 6.9, तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, है तो एसिडिक ना, चाहे 0.1 से ही वो न्यूट्रल हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो 0.1 से ही रह रहा हो न्यूट्रल होने के लिए, बट है तो एसिड ही ना, 6.9 तो है ना, तो उस केस के अंदर क्या भाई वो दिखाता नहीं है। तो ये छोटे छोटे एरर जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, हमारा बफर, जो कि यहाँ पर भी देखने को मिलता है। एक बार देखते हैं, अ बफर इज अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिस आर एडेड, जो कि उसके पीएच में नहीं बता पाते हैं ढंग से, जब कभी भी छोटा अमाउंट का या बहुत कम अमाउंट का जो हम एसिड और बेस उसके अंदर डालते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सिचुएशन इन विच पीएच इज कंट्रोल, अब कहाँ कहाँ पर पीएच को जो कंट्रोल करना पड़ता है, दैट इज हर्ट बीट, हर्ट बर्न के अंदर, ठीक है, प्लांटिंग वेजिटेबल्स एंड द फ्लावर, फिश टैंक्स एंड द पोन, ब्लड के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, यहाँ पर हमें पीएच जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है, बिकॉज जैसे इनका पीएच चेंज हुआ बॉडी की फंक्शन खराब, अगर हर्ट बर्न, अगर पीएच चेंज थोड़ा भी हुआ स्लाइटली तो हर्ट को प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी प्लांटिंग करते वक्त फिश के अंदर, ब्लड के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर में पीएच को मेंटेन करना पड़ता है। अगर पीएच मेंटेन नहीं होगा तो भाई, स्विमिंग पूल का एग्जांपल ले, अगर पीएच मेंटेन नहीं होगा तो क्या आप एसिड के अंदर नहा सकते हैं, आपकी बॉडी जल जाएगी, तो इसलिए आपको पीएच उसका मेंटेन करना ही पड़ेगा। सेम एज इट इज विद ब्लड, हर्ट बर्न एंड फिश एंड ऑन। अब बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन करने से तो आ जाता है सॉल्यूशन के ऊपर कि यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर कैसे रिएक्शन होता है, जो भी अभी तक हमने सब पढ़ा थ्योरेटिकली कि यहाँ पे एच आयन जो है गेन करेगा, एच आयन जो है डोनेट करेगा एसिड हमारा, फिर उसके बाद बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ओ एच माइनस निकालेगा, एच प्लस जो है हमें देगा, तो देखते हैं एक बार सब चीज़ें। जब कोई भी HCl H2O के साथ मिलेगा तो मैं ऐसा टोल्डी, ये इक्वेशन मैंने आपको पहले पीछे दिखाई दी थी, तो वो हमें देगा भाई क्या, हमारा हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O प्लस, ये तो आएगा प्लस Cl माइनस जो वहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या करा, यहाँ पर H जो है गेन हो गया, ठीक है, H गेन किसने करा, हमारे वाटर ने, बट उस एसिड ने क्या करा, H को लूज कर दिया, क्योंकि वो एच को लूज करा, डोनेट करा, दैट मीन हो गया भाई हमारे लिए एसिड है। बट वहीं अगर हम क्या हमारे बेस के अंदर देखेंगे तो वो क्या करेगा भाई, एच को गेन करेगा। यहाँ तो आपको कुछ दिखानी होगा कि हाँ भाई एन ए प्लस निकल गया है, ओ एच माइनस, इससे क्या पता चलता है कि ओ एच माइनस जो है रिलीज हो, दैट मीन जो बेस है, अगेन देखते हैं अगर वो एच सी एल के साथ मिलेगा तो एन ए सी एल बनेगा, जो कि एक सोल्ट है, प्लस एच ओ एच यानी कि एच टू ओ जो है रिलीज होगा, विच इज़ दी वाटर, विच इज़ दी वाटर, जब कभी भी हमारा बेस सो हमारे एसिड के साथ मिलेगा, एसिड प्लस बेस विल गिव अस दी सोल्ट, अब आपको सोल्ट भी पता चल गया होगा, दैट इज दिस इज दी सोल्ट, एन ए सी एल इज अ सोल्ट, जो आप खाते भी हो वो भी क्या है भाई सोल्ट, उसको आप नमक बोलते हो ना, वो क्या है आपके लिए सोल्ट, और वो सोल्ट किससे बनता है भाई, एसिड प्लस बेस को मिलाकर, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और न्यूट्रलाइज होने के बाद हमें क्या मिल जाए, हमारा एक बेस, अब बेस मिल गया यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर आते हैं उस एग्जांपल के अंदर, अब जब कभी भी मैंने क्या बना NH3 और H2O के साथ बेस जो मैंने मिलाया अमोनिया के साथ, तो मुझे क्या मिला है भाई, जो इसने हाइड्रोजन का आयन जो है गेन कर लिया, इस केस के अंदर इसने क्या करा, हाइड्रोजन का आयन गेन कर लिया, यानी कि वो H4 बन गया। इससे भी क्या पता चलता है कि भाई ये बेसिक है, यहाँ पर उसने गेन ना करके सिंपल OH- जो है रिलीज कर दिया, बट यहाँ नीचे उसने गेन भी करा है, और ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने रिलीज आउट करा है। तो ऐसे ही जो सारे क्राइटेरियाज थे, चाहे अरहेनियस के हो, चाहे ब्रोंसेट के हो, चाहे कॉन्जुगेट एसिड या बेस हो, वो सब चीज़ क्या यहाँ पर फिट हो गई। साथ ही में अब ये क्या बन गया भाई, अब इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया ना, अब ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस, अब क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस था क्या, एसिड गेन करने के बाद क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस, सिंपल, ठीक है। अब ये क्या था हमारा बेस, डोनेट करने के बाद क्या बन गया भाई, एच को डोनेट करने के बाद क्या बन गया, ये कॉन्जुगेट एसिड,
ठीक है ये तो सोल्ट है तो कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर वाटर इसने गेन करा, अभी क्या बन गया कॉन्जुगेट एसिड, यहाँ पे भी क्या बन गया कॉन्जुगेट एसिड, जो बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड में बनेगा अगर वो गेन कर लेगा, जो एसिड है अगर वो डोनेट करेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ठीक है आई होप दिस इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी यस, एसिड रेन, अब एसिड रेन पे आते हैं, हमने सारे वो देख लिया क्या भाई कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं, एसिड अगर वाटर के साथ मिलेगा तो कैसे रिएक्शन होगा, एसिड अगर बेस हमारा वाटर के साथ मिलेगा तो कैसा रिएक्शन होगा, सब चीज़ हमने फुलफिल भी कर दी, क्या होता है कॉन्जुगेट बेस, क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड, अगर आपको एग्जाम में आता है तो बताओ कि पूरी रिएक्शन में क्या है कॉन्जुगेट एसिड, क्या है कॉन्जुगेट बेस और क्या है एसिड क्या है बेस, तो यहाँ पर कौन से क्राइटेरिया जो है फिलअप कर रहे, यानी कि अरहेनियस एसिड क्या हो गया, अरहेनियस बेस क्या हो गया, बिल्कुल गेन करा तो अरहेनियस हो गया। ठीक है अगर OH- जो रिलीज कर रहा है, अगर हाँ अगर ब्रोंस्टेड है तो यानी कि वो गेन कर रहा है, ठीक है या फिर रिलीज कर रहा है डोनेट कर रहा है, ठीक है, और अगर ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग है यानी कि OH- रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया भाई ब्रोंस्टेड का क्या हो गया बेस हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखना है और सिचुएशन को प्रॉपर अच्छे से एनालाइज करना है, तब जाके उसके आंसर्स आपको देने हैं। तो उन सब चीज़ को हटाते हैं साइड में, अब आते हैं हमारे एसिड रेन के ऊपर। ठीक है अब एसिड रेन क्या है भाई, जब कभी भी भाई रेन के अंदर, ठीक है जब कभी भी रेन के अंदर, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में CO2 का लेवल बढ़ रहा है दिन पर दिन, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है फॉरेस्ट को हम हटाए जा रहे हैं भाई, पेड़ हम उगा नहीं रहे हैं, काट काट के हटा रहे हैं अपने आप को वहाँ पर पैदा कर रहे हैं, मतलब अपने आप को वहाँ पर ला रहे हैं, तो ये चीज़ क्या चल रही है। ठीक है इस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है भाई, जितनी भी हमारे एटमोसफेयर है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सडनली इंक्रीज़ हुआ है। अब क्योंकि वो सडनली इतना इंक्रीज़ हो चुका है, जब कभी भी पानी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो वो क्या क्या निकालता है, दैट इज HCl। ठीक है तो क्या फॉर्म करता है भाई, और HCl वो क्या फॉर्म करता है H2CO3। ठीक है अब ये जो बेटा, अब ये जो है ना कंपाउंड जो बना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के रिएक्ट करने से बना है, ठीक है अब ये क्या होता है एसिडिक। ठीक है इसका जो नेचर है वो क्या है एसिडिक, इसका जो कलर होता है वो कुछ येलोइश होता है, और हमें पता है कि रेड ब्लू से तो येलो का कोई ताल्लुक नहीं है, बट रेड से ज़रूर है कि अब धीरे धीरे करके वो कुछ येलो ऑरेंज सा कलर जो आ जाता है, जो कि कुछ 5.5 इसका पीएच हमने पीछे देखा भी, वो होता है हमारे इस रेन का पीएच। दैट मीन्स अब पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन कर लिया उस आसमान के अंदर, जब पानी से गिर रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड रेड कर रही थी, बहुत सडनली रिएक्शन हुआ और जो नीचे गिरा वो क्या रेन नहीं थी, पानी नहीं था, वाटर नहीं था, वो था हमारा एसिड। ठीक है जो हम पर गिरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अपने वाइट शर्ट पहनी और आपके ऊपर रेन हो रही, आपके शर्ट के ऊपर रेन ड्रॉप्स होती है, वो कुछ निशान छोड़ जाती है, दैट मीन्स वो इंडिकेट करे कि भाई वो क्या था एसिड था। ठीक है अभी ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी तो ये वीक है 5.5 था, अगर कल को कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और बढ़ गया तो ऐसा हो भी सकता है कि भाई HCl भी नीचे आए और अब आपकी जब यहाँ पर रेन ड्रॉप पड़े ना तो पूरी स्किन ही जल जाए। तो इसीलिए हमें जो है फॉरेस्ट्री के अंदर ज़्यादा देखना पड़ेगा भाई, फॉरेस्ट को ज़्यादा से उगाना पड़ेगा, उगाने के बाद ही जो है हम इसका लेवल कम कर सकते हैं, ऐसे इसका लेवल कम नहीं होने वाला है। तो आपको ये सब कुछ हम सबको ये देखना है, तब जाके हम इस एसिड रेन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार देख लेते हैं, द पोल्यूशन इन द एयर दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द वाटर टू फॉर्म द वेरियस एसिड्स। ठीक है बहुत सारे एसिड जो है फॉर्म करते हैं और बहुत सारे हमारे ऊपर आ रहे होते हैं, नॉट इवन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड भी, ठीक है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जो है पानी के रिएक्ट करके जो है एसिड रेन जो है क्रिएट करती है। आई होप दिस इज क्लियर कि एसिड रेन क्या होती है, जब कभी भी पानी के साथ ये सारी हार्मफुल गैसेस रिएक्ट करती है और फिर एसिड के फॉर्म में नीचे आती है, उसको बोलते हैं हमारा एसिड रेन। क्यों हो रहा है राइजिंग इन दी पॉपुलेशन एंड राइजिंग इन दी पॉपुलेशन से क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली राइजिंग इन दी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बढ़ रही है बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है अब देखते हैं, रैपिड चेंज इन दी पीएच कैन किल दी फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन दी लेक्स एंड दी स्ट्रीम, सोइल पीएच इज इफेक्टेड एंड कैन किल दी प्लांट्स एंड क्रिएट दी सिंक होल्स। हाँ जी अब यहाँ पर उसने बोला है कि जब अगर पीएच बढ़ गया, आई मीन पीएच जो है अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको पीएच जो है भाई अगर हमारा स्टमक है अगर वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज ही ना हो, ठीक है आप क्या सोच सकते हैं डाइजेशन होगा, और वहीं अगर मैं आपको इतना बेसिक कर दूँ उसको तो क्या कभी डाइजेशन हो भी पाएगा। तो वैसे जब कभी फिश वगैरह होते हैं तो नॉर्मल न्यूट्रल पानी है, वहाँ पर एसिड रेन आ रही है तो क्या वो जी पाएंगी, या फिर जो सॉइल है उसका जो पीएच अगर इफेक्ट हुआ, अगर वो बेसिक है, अगर वो एसिडिक हो गया, या फिर अगर एसिडिक है और वो बेसिक हो गया, तो क्या जो हमारे प्लांट्स हैं
जो वहाँ पे एनिमल्स वहाँ पे जी रहे हैं क्या वो इफेक्ट नहीं है उनका, उनकी लाइफ स्टाइल का इफेक्ट नहीं होगा, नॉट लाइफ स्टाइल, क्या उनकी जो लिविंग चीज़ चल रही है जो उनका लाइफ में चला हुआ इफेक्ट नहीं होगा। आप कभी भी देखा होगा आपने कि भाई पत्तों के बीच में ना होल्स हो रहे होते हैं, सिंक होल आ जाते हैं, ठीक है, नहीं हुए तो वो छोटे छोटे दबे दबे पड़ने जाते हैं, वो क्यों, एसिड रेन की वजह से। ये सारे जो एग्जाम्पल है सारे कॉजेज हैं हमारे एसिड रेन के, ठीक है। और भी देखते हैं एग्जाम्पल फिर एसिड रेन का। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़े आराम से एसिड रेन से क्या क्या चीज़ें हो रही है। एसिड रेन कैन हार्म दी फिश, फिश को भी उसने हार्म करा है, ठीक है। पेड़ वेड़ ढंग से उग नहीं पा रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं एसिड रेन के। सिंक होल, ठीक है, तो आप मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, पिक्चर से आपको दिख रहा होगा कि भाई एसिड रेन से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उसके कॉजेज है, क्या क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स है, और इसके वजह से कितना सफ़र करना पड़ रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और ये कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के वजह से ही हो रही है, यानी कि ह्यूमन बींग्स की वजह से ही हो रही है, बिकॉज हम जो है फॉरेस्ट्री में इतना ध्यान नहीं दे रहे, हम बस डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगेन फॉरेस्ट को नहीं उगा रहे हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो हमें लैंड भी चाहिए, इतना ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, तो अभी ऐसे ड्रेन का और कोई कारण हो ही नहीं सकता। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, व्हीकल से इतने हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं, जो हार्मफुल गैसेस निकलती है, सांस लेना मुश्किल है इस पॉल्यूशन के अंदर। और इवन का भी कुछ ज़्यादा कुछ खास वो नहीं आया, अभी ये लॉकडाउन है तो थोड़ा बहुत लेवल गिरा है पॉल्यूशन का, बट अगर ये आगे और बढ़ता रहेगा तो आई डोंट थिंक सो कि लाइफ इस अर्थ पे पॉसिबल भी होगी। बट खैर छोड़िए, अब आगे देखते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ अ सॉल्ट। अब हमने बात कर ली है कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनके सारे रिएक्शन, साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला है, सब एक चीज़ जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, हर एक चीज़ जो है वहाँ पे कवर हो चुकी है, चाहे एसिड रेन हो, चाहे आपके किसी भी साइंटिस्ट का गिवन फॉर्मूला या फिर कैसे उनका रिएक्शन होता है। आई होप दिस क्लियर। बड़े आराम से बात करते हैं सॉल्ट, ठीक है। अ सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। वी नो दैट यहाँ पे एसिड प्लस बेस का सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, कंपोज ऑफ द नेगेटिव आयन ऑफ द एसिड एंड द पॉजिटिव आयन ऑफ द बेस। जो बेस है उसका पॉजिटिव आयन मिलता है, प्लस जो हमारा एसिड होता है उसका नेगेटिव आयन जो है मिलता है, और मिलकर क्या बनाता है भाई हमारे लिए, एक न्यूट्रल बेस जिसको न्यूट्रल सॉल्ट, जिसको हम न्यूट्रल सब्सटेंस जिसको हम सॉल्ट भी बोलते हैं। और क्योंकि ये न्यूट्रल हो रहा है, न्यूट्रल क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों मिलकर उसको न्यूट्रल बना रहे हैं, इसलिए इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं। वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एज आई टोल्ड यू, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल KCl, MgSO4, Na3PO4, ये सारे क्या सॉल्ट के एग्जाम्पल है, NaCl भी सॉल्ट का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट इन द वाटर। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी एसिड मिलता है बेस के साथ तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, प्लस वाटर जो है रिलीज हो जाता है। आगे भी हमने इसका एग्जाम्पल दिया, दैट इज HCl प्लस NaOH ऑल्सो गिव अस द NaCl प्लस H2O, क्लियर। और ये अनदर एग्जाम्पल है, अगर आपके एग्जाम में आता है कि आप एक दो एग्जाम्पल लिखने हैं तो आप बड़े ही आराम से इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, डाइजेशन एंड उसका pH, एज आई टोल्ड यू कि भाई वहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, तो भाई उसका pH कितना है और कैसे वो डाइजेशन में हेल्प करता है, एक बार देख लेते हैं। दैट इज डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, हमें पता है। नेक्स्ट, मैकेनिकल डाइजेशन फिजिकल प्रोसेस इज विच द फूड इज टर्न्ड अपार्ट फ्रॉम द माउथ, वैसे ही माउथ से नीचे जाता है तो वहाँ से क्या हमारा फिजिकली जो खाना होता है वो कट कट के ब्रेक डाउन होकर जो हमारे स्टमक में चला जाता है, स्टमक के बाद वो क्या हो गया भाई, वो फिजिकली अपेयरेंस हो गया जो हमारे माउथ ने करा, ठीक है। अब उसके बाद केमिकली उसमें क्या चेंजेस आएंगे, मतलब केमिकल डाइजेशन क्या होगी कि भाई जब उस पर केमिकल रिएक्ट करेंगे, दैट इज जो HCl होता है वो जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, जब वो उस पर रिएक्ट करेगा और वो फर्दर उन छोटे छोटे चंक्स को जो ऑलरेडी बोलस बन के जा चुके हैं ईसोफेगस की हेल्प से हमारे स्टमक के अंदर, जो कि एक फिजिकल चेंज था जो कि हमारे दांतों ने करा, ठीक है, जो कि हमारे टीथ ने करा। अब टीथ के बाद भाई वो जाएंगे हमारे स्टमक के अंदर, वहाँ पर होगी एक केमिकल डाइजेशन जहाँ पर HCl जो है रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद जो है म्यूकस की कोटिंग आ जाएगी ताकि बाकी हमारा स्टमक जो है हार्म ना हो उससे, ठीक है। अब उस म्यूकस के प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर HCl जो है उस बाकी बचे हुए जो बचा कुचा खाना है जो कि हाफ डाइजेस्टेड है, हाफ भी नहीं बोलूँगी, 30% डाइजेस्ट होता है हमारे माउथ में, फिर 70% जो है बचा रहता है, तो उसको आगे फर्दर डाइजेस्ट करता है हमारा स्टमक के अंदर जो प्रेजेंट है HCl, या फिर जो सिक्रीट होता है जब कभी भी खाना हमारे पेट के अंदर आता है, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। ये प्रोसेस हमारा जो
खाना है वो हमारे स्टमक के अंदर 3 to 4 hours तक रहता है, तो तब तक ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। आई होप दिस इज क्लियर कि हमारा डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन करना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का स्मॉलर और सिंपल सब्सटेंस में, वो भी दो टाइप का हो सकता है, फिजिकल मैकेनिकल या फिजिकल हो सकता है या फिर केमिकल डाइजेशन। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको पता चलिया हो कि हाँ भाई क्या पीएच की रोल है, कि पीएच अगर वहाँ पर उसको एसिडिक ना मिलेगा तो वहाँ पर डाइजेशन जो है नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, देख लेते हैं एक बार, दैट इज माउथ पीएच अराउंड 7। जो माउथ का पीएच होता है वो 7 होता है, दैट इज न्यूट्रल। सलाइवा कंटेन करता है अमाइलेज एंड एंजाइम विच बिगेन टू ब्रेक द कार्बोहाइड्रेट्स इन द शुगर। हमें पता है कि हमारे सलाइवा के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स होता है और अमाइलेज एंजाइम होता है। अब जैसे ही कार्बोहाइड्रेट यानी कि कुछ भी खाना हमने खाया तो अमाइलेज क्या करेगा, उस खाने को ना शुगर सब्सटेंस में चेंज करेगा। जब कभी आप रोटी चबाते हो या चावल ज़्यादा चबा रहे हो तो आपने देखा होगा भाई कुछ एंड के बाद ना वो मीठा मीठा सा लगता है। वो मीठा मीठा क्यों लगता है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द अमाइलेज वो क्रिएट करता है या प्रोड्यूस करता है शुगर। ठीक है, आई क्लियर। फिर आता है भाई हमारे स्टमक के ऊपर जिसका पीएच होता है 2, बिकॉज वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिलीज हो रहा होता है, अराउंड 2 होता है, 2 कुछ होता है। प्रोटीन आर ब्रोक डाउन इनटू द अमाइनो एसिड प्रोटीन वहाँ ब्रेक हो जाते हैं विद द एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। पेप्सिन जो है रिलीज करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पीएच होता है वो होता है 8, जो कि बेसिक होता है। ठीक है, मोस्ट डाइजेशन एंड वहाँ पर जो है मोस्टली डाइजेशन जो है खत्म होती है, 100% डाइजेशन जो है खत्म होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जितने भी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है वो सारे विलाइज के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये सब था कि यहाँ पे पीएच का डे टू डे लाइफ में या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या रोल है, प्लस क्या क्या पीएच उनका होता है। आई होप ये पूरा चैप्टर बस इतना ही था इस चैप्टर के अंदर बताने के लिए। आई होप आपको बड़े ही आराम से और बड़े ही इंटरेस्टिंगली समझ में आया होगा, बिकॉज ऐसे बहुत सी प्रोसेसेस है जहाँ पर डे टू डे लाइफ के अंदर भी, या फिर अगर आप अपने बॉडी का एग्जांपल भी लेते तो वही वहाँ पर एसिड प्लस बेस का यूज़ होता ही है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, जहाँ पर मैं लेके आने वाली हूँ आपके लिए एक और वन शॉट वाली वीडियो, जहाँ पर हम पढ़ लेंगे बड़े ही आराम से जस्ट इन वन शॉट पूरा का पूरा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।